इस रामलीला की शुरुआत, इसकी स्थापना सन 1972 में स्वर्गीय मैकूलाल यादव और यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन खान ने रखी थी। और उसके बाद इस रामलीला से हिंदू और मुस्लिम दोनों इस कदर जुड़ते गए कि जो मेला कमेटी हमारी थी उसमें भी नूर मोहम्मद, नमन अली जैसे मुस्लिम लोगों ने और उसमें सहयोग किया। जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ उस समय अनेकों जगह पर कहीं मंदिर तोड़े गए, कहीं मस्जिद तोड़ी गई, लेकिन बख्शी तालाब की रामलीला एक मिसाल ही बनी रही, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का आपसी सौहार्द बना था वैसा कि वैसा बाबरी मस्जिद विध्वंस जब हुआ था उस बार भी रामलीला में मुस्लिम कलाकारों ने और यहाँ के पास पड़ोस के मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था।